चलिए, बड़ी जानकारी इस वक्त लखनऊ से सामने आ रही है, उससे भी आपको अपडेट कराते हैं। लखनऊ में 69,000 टीचर्स की भर्ती से जुड़े अभ्यर्थियों का प्रदर्शन, बेसिक शिक्षा मंत्री के आवास के बाहर प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। भर्ती पूरी करने की मांग को लेकर धरना दिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश से बड़ी जानकारी, पुलिस ने अभ्यर्थियों को हिरासत में लिया है। आ रहा है 69,000 अभ्यर्थियों की भर्ती का मामला, पुलिस ने अभ्यर्थियों को हिरासत में लिया है। उत्तर प्रदेश से बड़ी जानकारी, लखनऊ में 69,000 टीचर्स भर्ती से जुड़े अभ्यर्थियों का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, और इसमें महत्वपूर्ण यह है कि बेसिक शिक्षा मंत्री के आवास के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। पुलिस ने कुछ अभ्यर्थियों को हिरासत में लिया है। भर्ती पूरी करने की मांग को लेकर धरना दिया जा रहा है। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ लखनऊ से हमारे संवाददाता विनाश जुड़े हैं। विनाश, बताएं फिलहाल क्या जानकारी मिल रही है? टीचर्स की भर्ती को लेकर अभ्यर्थियों का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, फिलहाल क्या माहौल है वहां पर? जी बिल्कुल, देखिए उत्तर प्रदेश में लगातार जिस तरीके से युवा बेरोजगार जो है सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं, वही आज 69,000 शिक्षक अभ्यर्थी जो है शिक्षा मंत्री के आवास के बाहर जो है बड़ी संख्या में वहां पर विरोध प्रदर्शन करते नजर आए। साफ तौर पर वहां पर पुलिस प्रशासन की मौजूदगी भी थी, लेकिन उनका लगातार आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में लगातार चाहे शिक्षा प्रति अभ्यर्थी की बात करें, टेट की बात करें, तमाम जो सरकारी नौकरियों को लेकर जो भर्तियां हैं उसको लेकर लगातार जो है युवाओं का यहाँ पर प्रदर्शन आए दिन देखने को मिलता है। कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आवास के बाहर लोग वहां पर प्रदर्शन करने पहुंचते हैं, कहीं जो है बीजेपी दफ्तर के बाहर प्रदर्शन करते हैं, कहीं जो है मंत्रियों के आवास के बाहर प्रदर्शन करते हैं। तो लगातार जो युवा अभ्यर्थी हैं उनका जो है प्रदर्शन उत्तर प्रदेश में जारी है। हाल ही में 2024 के लोकसभा चुनाव है, इससे पहले इस तरीके के प्रदर्शन कहीं ना कहीं आने वाले समय में तो सरकारों की चिंता बढ़ा सकती है कि जब से जल्द इन युवा बेरोजगारों को आखिरकार कब तक नौकरी मिलेगी, कब तक इन्हें सड़कों पर दर-दर भटकना पड़ेगा। लगातार अविनाश ज्वाइनिंग की मांग को लेकर इनका प्रदर्शन देखने को मिलता है, लेकिन ये आखिर मसला अटका क्यों है? इस मसले को किस प्रकार से हैंडल करने का प्रयास कर रही है योगी सरकार? और टीचर्स की नाराजगी, जाहिर सी बात है कि नियुक्तियों को लेकर बात कर रहे हैं, ज्वाइनिंग को लेकर बात कर रहे हैं, किस प्रकार की संभावनाएं बन रही और कहां पर पेच फंसा हुआ नजर आता है? बिल्कुल समझे, इस तरीके से आपने देखा होगा 69,000 शिक्षक अभ्यर्थियों में जो है 22,000 जो रिक्त पद है उनको लेकर हाईकोर्ट में ये मामला गया था, जिसमें कुछ जो है अभ्यर्थियों को उसमें ज्वाइनिंग दी गई थी, लेकिन उसके बाद इसमें जो है आरक्षण को लेकर पेज फंसा, उसको लेकर फिर वो कोर्ट चले गए। तो कहीं ना कहीं ये जो मामला है लगातार 69,000 शिक्षक अभ्यर्थियों का, ये लगातार पिछले कई सालों से ये जो है अभ्यर्थी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक सरकार के द्वारा इनको नौकरियों को लेकर कभी कुछ भी स्पष्ट अभी नहीं है। अब देखना होगा आने वाले समय में लगातार इनका विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, कब तक सरकार इनकी बातें मानती है और इन युवाओं को जो है नौकरी देने का प्रदेश सरकार काम करती है। चलिए, बहुत शुक्रिया अविनाश जानकारी के लिए। इस मसले का कैसे हल निकाला जाएगा, बहुत अहम सवाल है, लेकिन जिस तरह से प्रदर्शन हो रहा है, जो नाराजगी है, उस नाराजगी को प्रदर्शित करने के लिए अक्सर प्रदर्शन करते ये नजर आते हैं अभ्यर्थी।